नेपाल हिंदू राष्ट्र पुनर्स्थापना मंच के अंतर्राष्ट्रीय विंग का नई दिल्ली के बहादुर शाह जफर मार्ग आईटीओ स्थित प्राचीन प्यारेलाल भवन में पहला अंतर्राष्ट्रीय हार तालिका तीज फेस्टिवल पारंपरिक रीति रिवाज थीम पर रंगारंग कार्यक्रम के रूप में संपन्न हुआ। मंच के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर इंजीनियर विष्णु प्रसाद बराल की अध्यक्षता में भारत में नेपाल के राजदूत महामहिम डॉक्टर शंकर प्रकाश शर्मा, भारत सरकार के वित्त विभाग के प्रधान आयुक्त IRS डॉक्टर अनूप कुमार श्रीवास्तव, केंद्रीय मंत्री अनिल कुमार चौबे, सांसद व सिने अभिनेता मनोज तिवारी, पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद डॉक्टर हर्षवर्धन, सदस्य आध्यात्मिक गुरु अनिल मित्तर, तिब्बतियन पार्लियामेंट इन एग्जाइल के डिप्टी स्पीकर आचार्य AC पुनसोक, उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री समरपाल सिंह, उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री समरपाल सिंह, चित्रकूट धाम पीठाधीर अनंत श्री विभूषित आचार्य सामूहिक रूप से मंगलचरण के साथ दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया। इसके उपरांत भारत और नेपाल का दो चरणों में राष्ट्रगान का आयोजन किया गया। डॉक्टर बराल ने कहा कि भारत अपनी आज़ादी का 77वां साल मना रहा है, वहीं नेपाल भी इस जश्न में शरीक हो रहा है। उन्होंने कहा कि इंडो नेपाल के मध्य रोटी बेटी का संबंध है। कार्यक्रम में आए अतिथियों और आयोजकों ने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं प्राइम इंडिया न्यूज के संवाददाता मनोज सैनी की ये रिपोर्ट। हमारे विश्व के जितने भी साधु संत है, अखाड़ा परिषद है और जितना शंकराचार्य है, जितना गुरु है, जितना धर्म गुरु है, सब हमारे साथ है और हमको ये आह्वान दिए हैं, समर्थन दे चुके हैं नेपाल को पुनः इंटरेस्ट करने ही है, क्योंकि नेपाल देवी देवता का जन्म स्थल है और नेपाल में आज जो ये हिंदू राष्ट्र था, ये क्या जनता का मांग नहीं था, जनता का चाहना नहीं था, जो प्रतिनिधि चुन के आए उन लोग ने जनता का बिना चाहना, जनता का बिना जानकारी, जनता का बिना खबर रातों रात एक बंद कैमरा में डॉलर के हिसाब में बना दिया गया, उसको कभी भी स्वीकार नहीं है और जितने भी हिंदूवादी है उनको समर्थन नहीं कर रहे हैं। इसलिए अभी हम आगे इसको भारत से ये अपेक्षा है कि 140 करोड़ आबादी जहाँ है, जहाँ 79.8 हो रहा है, देश की आज़ादी का भारत जश्न मना रहा है, तो नेपाल भी अपनी खुशियाँ उसमें जाहिर कर रहा है। एक ऐतिहासिक क्षण है, जो भारत नेपाल की पुनर्स्थापना की, हम नेपाल की पुनर्स्थापना की बात कर रहे हैं, उसमें आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, पहले तो आज ये भारत का 77वां स्वतंत्रता दिवस है, उसके लिए हम सब शुभकामना कर व्यक्त करते हैं। और दूसरा तो आज ये जो प्रोग्राम यहाँ हुआ तीज के अवसर पर, हरितालिका तीज और हरियाली तीज दोनों मिलकर ऑब्जेक्टिव तो वही है, सो उसने नेपाल और भारत के हिंदू संस्कृति को जो ब्रिज बनाता है ये कार्यक्रम ने, उसके लिए मैं आयोजक को खास करके डॉक्टर विष्णु प्रसाद बराल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। यहाँ आकर बहुत खुशी भी हुआ, अब नेपाल में भी बहुत से ज़्यादा हिंदू है, यहाँ भी ज़्यादा से ज़्यादा हिंदू है, ये हमारा जो समानता है इसकी बढ़ोतरी भी करना चाहिए। धन्यवाद। देखिए, मुझे लगता है कि नेपाल में 2006 के में जो जिस प्रकार से प्रेम्बल में एक शब्द जोड़ा गया धर्मनिरपेक्ष, ऐसे ही शब्द भारत के जो संविधान है उसके अंदर कांग्रेस ने अपने तुष्टीकरण की राजनीति चलाने के लिए जोड़ा था। राजनीति बिना धर्म के नहीं चलती, ये बात सत्य है, कटु सत्य है। जो राजनीति धर्म के बिना है वो कभी निरपेक्ष हो ही नहीं सकती है। इसलिए अगर किसी ने शासन चलाना है तो उसको धर्म का पालन करना चाहिए और एक हिंदू राष्ट्र के नाते जिस प्रकार से नेपाल की पहचानती है वापस आनी चाहिए। और नेपाल ही नहीं, भारत की भी हिंदू राष्ट्र की तो जो घोषणा है हिंदू राष्ट्र भारत है, उसकी जल्दी वापस होनी चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि तुष्टीकरण की राजनीति जिस प्रकार से कांग्रेस ने भारत में शुरू करके कितने दंगे कराए हैं, कितने लोगों की हत्या कराई, आज आज़ादी